राजधानी में पिछले कुछ समय में बेटियों के खून से बार बार लाल हुई है। पहले श्रद्धा वालकर फिर साक्षी की निर्मम हत्या ने लोगों को हिला कर रख दिया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हाल ही में साक्षी पर आरोपी साहिल ने चाकू से कई बार वार किए। इसके पहले श्रद्धा वालकर की निर्मम हत्या से डरा दिया था। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि इस अपराध में एक मजबूत भावनात्मक घटक शामिल है, मसलन अस्वीकृत को बर्दाश्त नहीं कर पाना और मन में दबा गुस्सा। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार यह आत्मसम्मान की बेहद कमजोर भावना के साथ पीड़ित को गहन पीड़ा देने के लिए हमलावर को कठोर इरादे की ओर ले जाता है। शाहबाद डेयरी में साक्षी को 20 से अधिक बार चाकू मारा गया, फिर सीमेंट के स्लैब से वार किया गया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पर चोट के 34 निशान थे और खोपड़ी टूटी हुई थी। आरोपी साहिल ने घटना से 2 दिन पहले साक्षी को मारने की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि साक्षी ने साहिल को अपने दोस्तों के साथ फटकार लगाई थी, उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक मोहित भुट्टा ने बताया कि पीड़िता को चाकू घोंपने और स्लैब से कुचलने का कृत्य हमलावर के विनाशकारी इरादों को दर्शाता है कि वह उसके अस्तित्व को ही मिटा देना चाहता था। तामसिक विचार हताशा में पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।